नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस पे। अगर आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट में नए हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि पहला शेयर आप कौन सा खरीदें जिसमें आपको हमेशा प्रॉफिट हो, मतलब वो शेयर आपको जो है लॉस नहीं दे, तो इस वीडियो में हम आपको सारे रूल्स और रेगुलेशन बताएंगे, सारे फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे कि आपको पहला कौन सा शेयर बाय करना चाहिए ताकि एक लंबे टर्म में इन्वेस्टमेंट में वो शेयर, मतलब वो पहला इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा रिटर्न दे। क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही गलत हो जाता है तो फिर आप लॉस कर देंगे, और लॉस कर देंगे तो आप स्टॉक मार्केट छोड़कर चले जाएंगे और फिर आप बोलेंगे स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, स्टॉक मार्केट बहुत ही गलत चीज़ है, यहाँ सिर्फ लॉस होता है, यहाँ पर कोई कमा नहीं सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हम आपको बताएंगे कि वो फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब वो एनालिसिस जिसके सहायता से आप अपना पहला शेयर चुन सकते हैं, और ये शेयर आप जब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं तो निश्चित ही आपको एक अच्छा रिटर्न देगा जो आपको एक्साइट करेगा और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप जैसे तैसे किसी के बातों में आकर के आप ट्रेडिंग ना करने लगें, क्योंकि आप ट्रेडिंग करेंगे तो निश्चित है कुछ दिन अर्निंग करने के बाद एक ही बार आप लॉस करेंगे और सारा पूंजी आपका चला जाएगा। तो ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो कि एक्सपर्ट है, जो कि बहुत दिनों से स्टॉक मार्केट को जानते हैं और ट्रेडिंग किस तरह से किया जाता है, किस बेसिस पे किया जाता है, इन सब चीज़ों को जानने के बाद कोई भी ट्रेडिंग करता है। तो आप बिल्कुल अगर नए हैं तो आप एक इन्वेस्टर बने और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, और यहाँ से फिर आप एक अच्छा अर्निंग करेंगे। और जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जिसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों अच्छे हैं, उन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें। टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि आपको कौन से प्राइस में बाय करना चाहिए, और फंडामेंटल एनालिसिस बताता है कि आपको कौन से स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए, मतलब कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए सबसे शुरू करते हैं। तो सबसे सिंपल उदाहरण है कि आप अपने डेली लाइफ में कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उन प्रोडक्ट का एक लिस्ट तैयार करें, और उन प्रोडक्ट में आपको देखना है कि अगर वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है तो क्या आपके आस पड़ोस अब सभी आदमी को अच्छा लग रहा है, तो वैसे प्रोडक्ट का लिस्ट तैयार करें। फिर देखें क्या उस प्रोडक्ट की कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट है तो आपको उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके प्रोडक्ट को आप पसंद करते हैं, और जो आसपास के अपने आसपास के हैं वो भी पसंद करते हैं, तो निश्चित है वो कंपनियां प्रॉफिट करेगी क्योंकि उसके प्रोडक्ट डिमांड में है, तो उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो वो जो प्रॉफिट अर्न करेगी वही प्रॉफिट आप में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब आप शेयर होल्डर के बीच जिसका आप शेयर बाय करते हैं। तो शेयर बाय करने का अर्थ होता है उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना, मतलब आप उस कंपनी के ऑनरशिप को बाय करते हैं, एक शेयर मतलब एक शेयर का आप ऑनर हैं, तो इसलिए आप उन्हीं कंपनी के ऑनर बनना पसंद करेंगे जो कंपनियां प्रॉफिट मेक कर रही है, मतलब जिनके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए इन कंपनियों के लिस्ट में आपको कुछ कंपनियां हम दिखाते हैं जिनके प्रोडक्ट आप डेली यूज करते हैं, और ये कंपनियां निश्चित ही बहुत ही अच्छी है। जैसे पहला हो गया आपको कोलगेट, आप निश्चित है कि ब्रश करते हैं, ब्रश भी कोलगेट बनाती है, मतलब कोलगेट कंपनी जो है वो ब्रश भी बनाती है और कोलगेट टूथपेस्ट भी बनाती है, तो देख सकते हैं कोलगेट थर्मल स्पा जो इनके प्रोडक्ट हैं। दूसरा लिक्विड हैंड वॉशेस, सरफेस केयर, टूथ ब्रशेस, देख सकते हैं सोबर जेल, टूथ पाउडर, सोबर क्रीम, तो इस तरह से इन सारे प्रोडक्ट को तैयार करती है कोलगेट। टूथपेस्ट भी है कोलगेट का और टूथ ब्रश भी है कोलगेट का, तो इन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो कंपनी आप यूज करते हैं, अगर इनके पेस्ट इनके टूथ ब्रश अच्छे लगते हैं आपको तो इन कंपनियों में आप इन्वेस्ट करें, तब आप एक अच्छा रिटर्न बनाएंगे। अब देखिए दूसरा जैसे है हमारा HUL, तो HUL के प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, HUL का जो आप हो गया पेप्सोडेंट यूज करते हैं, डिटोल यूज करते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप HUL के यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ में आप HUL के प्रोडक्ट लाइफ वाई यूज करते हैं साबुन के रूप में, डव यूज करते हैं, तो लक्स यूज करते हैं, तो समझिए कि इनके कितने फेमस ब्रांड है, तो इन शेयर को आप बाय कर सकते हैं। देख सकते हैं इनका रिटर्न, तो देख सकते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना गजब का रिटर्न दिया है। उसके बाद आते हैं हम बाटा, बाटा का जूता हर कोई पहनना पसंद करते हैं,
अगर आप एक अच्छे जूता, एक कॉस्टली जूता बाय करते हैं तो किसके, बाटा के, तो बाटा के शेयर खरीद सकते हैं। देख सकते हैं इनका शेयर कितना अच्छा डिविडेंड दिया है, मतलब आप प्रोडक्ट जिसका पसंद करते हैं निश्चित है उसका शेयर भी आप पसंद करेंगे, क्योंकि वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो प्रॉफिट मेक कर रही है। तो जो कंपनियाँ प्रॉफिट बना रही है तो वो डिविडेंड भी देगा, तो वैसे कंपनियों में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो जब इन्वेस्ट करने वाले आदमी अधिक है तो वो कंपनियों के शेयर निश्चित ही क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो देख सकते हैं बाटा इंडिया। उसके बाद हमारा डाबर, डाबर तो आपने यूज किया हो ही होगा, डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत ही फेमस है, जैसे डाबर हनी, डाबर ग्लूकोज, तो इस तरह से डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही बहुत फेमस है, डाबर च्यवनप्राश, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम भी यूज करते हैं, आप भी किए होंगे। देख सकते हैं इसका शेयर कभी भी इसमें देख सकते हैं एक शार्प करेक्शन आपको देखने नहीं मिलेगा, हमेशा चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, 2008 का क्राइसिस हो, चाहे अभी हमारा जो देख सकते हैं पेंडेमिक आया है, तो इसमें भी करेक्शन आया, तुरंत फिर अपना प्राइस को ये रिकवर कर लिया। इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे शेयर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो निश्चित ही आपको हमेशा अच्छा रिटर्न देगा। तो आपका जो पहला शेयर होना चाहिए वो ऐसा शेयर होना चाहिए जिसको आप प्रॉपरली जानते हैं, जिसके प्रोडक्ट को प्रॉपरली आप यूज करते हैं, और जिसके प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ आप पसंद करते हैं, सिर्फ यूज नहीं पसंद भी करना चाहिए, क्योंकि आप यूज तो कर लिए, आप उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते, आपके आसपास पसंद नहीं किया जाता, तो उनके प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बिकेंगे नहीं, जब ज़्यादा बिकेंगे नहीं तो कंपनियों प्रॉफिट में नहीं आएगी, प्रॉफिट में नहीं आएगी तो स्टॉक मार्केट में जो डिविडेंड मिलता है वो नहीं मिलेगा, जब वो भी नहीं मिलेगा शेयर डिमांड में नहीं होगा, शेयर डिमांड में नहीं होगा तो उसमें ग्रोथ नहीं होगा, मतलब कंपनी का ग्रोथ तब इधर स्टॉक मार्केट में शेयर में भी ग्रोथ आपको देखने मिलेगा। वहीं और भी बात करें, बहुत सारी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां जो है मतलब हर अलग अलग क्षेत्र से आप कुछ ना कुछ उसके प्रोडक्ट ज़रूर यूज करते होंगे, जैसे अच्छा लगे तो आप उसके शेयर को बाय कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे लाल पैथ लैब है, अभी इंडिया का लीडिंग ये लैब है, मतलब आप जांच कराने जाएं तो जो आप देखेंगे इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जो हमारा बिहार, यूपी, दिल्ली, इधर जितना बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका ब्रांचेज खुल चुका है, ओवरऑल इंडिया बस हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग इसका ब्रांच है अभी, और ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, और ये कंपनियों पर डेप्ट देखिएगा जीरो, जो भी कंपनी बनाए उसके ऊपर डेप्ट जो है जीरो है। ये लाल पैथ लैब, इसमें हमारा अपना इन्वेस्टमेंट है, इस कंपनियों में हमारे आसपास के कुछ लोग काम करते थे, जॉब करते थे, तो हमने इस लैब के बारे में जाना, फिर हमने अपना जाँच कराने गया डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर ने जो लैब के बारे में लिखा जांच कराने, उस लैब में गए तो डॉक्टर लाल पैथ लैब का लैब था, तो और कंपनी का रिजल्ट देखे, फंडामेंटल देखे, फंडामेंटल्स में कोई डेप्थ नहीं कंपनी के पास, लगातार प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, लगातार कंपनी अपना एक्सपेंड कर रहा है, लगातार ऑल ओवर इंडिया अपना ब्रांचेज खोल रही है। तो देख सकते हैं ये कंपनियाँ लिस्टिंग 2017 में ही हुआ है, ज़्यादा पुराना लिस्टिंग भी नहीं है, और कंपनियाँ लगातार देख सकते हैं कि प्रॉफिट मेक कर रही है, तो इसका स्टॉक भी लगातार रिटर्न दे रहा है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उसके बारे में आप उसके एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं कंपनियां कैसी है, उसके आसपास प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर सकते हैं कैसी है, जैसे लाल पैथ लैब का इसका जो रिजल्ट होता है लैब का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन होता है। इस तरह के सारे हम पैरामीटर्स को देखते हैं, अपने प्रोडक्ट को देखते हैं जो यूज करते हैं, प्रोडक्ट पसंद किया जाना चाहिए तब जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो वही हमारा कोलगेट हो गया, तो आपको सबसे पहला हम शेयर कहेंगे कि आप कोलगेट का बाय करें। देखिए कोलगेट का रिटर्न, आपने सारे कंपनियों को देख लिया, कोलगेट का देख लीजिए, देखिए कभी भी ये स्टॉक्स पे आपको ज़्यादा करेक्शन देखने नहीं मिलेगा, देख सकते हैं। अभी देखिए इस पैंडेमिक सिचुएशन में, अभी का जो हमारा सिचुएशन है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि सारे लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा है, कोई ज़्यादा जो है जो प्रोडक्ट हम डेली यूज करते हैं सिर्फ वही यूज कर रहे हैं, तो देख सकते हैं इसमें करेक्शन आया था, ये 1100 रुपये के आसपास आया था, फिर से ये वही चला गया, देख सकते हैं, मतलब फिर से ये 300 रुपये आगे चला गया, 300 रुपये इसमें तेज मोमेंटम देखने मिला 300 रुपये का। तो देखते हैं ये कंपनियां करेक्शन तो आती है लेकिन जल्द ही रिकवर कर लेती है, क्योंकि ये हमारे डेली प्रोडक्ट यूज में आते हैं और इनके प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी में बहुत ही अच्छे हैं। तो ऐसे ही शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है, और जो प्राइस होना चाहिए आप देख सकते हैं, जैसे इसमें करेक्शन आता है, यहाँ नीचे के प्राइस में आता है, तब आप इस प्राइस पे इन्वेस्ट करें, जैसे इसमें करेक्शन आता है, ये नहीं कि अभी आप कंपनियाँ टॉप अपने टॉप लेवल पे है, अपने 52 वीक हाई के आसपास है, तब इन्वेस्ट करें, जैसे इसमें वेट करें, थोड़ा सा करेक्शन आता है तब आप इसमें इन्वेस्ट करें।
तो चलिए कोलगेट के बारे में हमने बता दिया कि आप जो पहला शेयर बाय करेंगे कोलगेट का बाय कर लीजिए, या एचयूएल का बाय कर लीजिए, या बाटा का बाय कर लीजिए, या डाबर का बाय कर लीजिए, लाल पेथलब बताया। इसी तरह से जो कंपनियों के प्रोडक्ट आप डेली यूज़ करते हैं, आपको क्वालिटी बहुत अच्छे लगते हैं, उन कंपनियों के शेयर में आप पहला इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो चलिए हम कोलगेट में एनएससी की वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या ट्रेडिंग रहा है पिछले दिन, मतलब जो पिछला ट्रेडिंग डे है उस दिन कैसा ट्रेडिंग रहा है कोलगेट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 1464, और प्रीवियस डे का क्लोजिंग जो था वो था 1473। तो आज इसमें 9 रुपीज़ का करेक्शन देखने मिला है, ओपन हुआ था 1485 रुपीज़ पर, हाई गया 1485 रुपीज़, हाई भी गया वहीं पर, ओपन भी हुआ था अपने हाई पर, उसके बाद लो बनाया कितना का 1442 रुपीज़ का, और क्लोज हुआ 1459 रुपीज़। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुआ 1673537, देखते हैं 1673000 और 537 से ट्रेड हुआ, जिसमें से देख सकते हैं 735097 शेयर डिलीवर हुआ है। तो डिलीवरी के लिए इतना शेयर है, जिसका परसेंटेज है 43.92%, मतलब 44% शेयर डिलीवर हुआ है, देख सकते हैं इतने हाई प्राइस पर। तो समझ सकते हैं कितना ये अच्छा स्टॉक्स होगा। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देते हैं आपको कि क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का। ये देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न है कोलगेट का, जिसमें प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो है 51%। देखिए ओवरऑल कांस्टेंट रहा है, मतलब 2020 में और 31 में, मतलब 2019 का जो फाइनेंशियल है, 20 का जो फाइनेंशियल, दोनों में सेम रहा है, कोई चेंज नहीं आया है। पब्लिक का है 49%, और देख सकते हैं कंपनी लगातार डिविडेंड पे करती है, देख सकते हैं कंपनी लगातार डिविडेंड पे कर रही है 8 रुपीज़ का, फिर 12 रुपीज़ का, फिर यहाँ पर देखते हैं इंटरिम डिविडेंड पे किया है 7 रुपीज़ का। तो 2019 में कितना पे किया है, 27 रुपीज़ का एक साल में डिविडेंड पे करती है। तो समझ सकते हैं एक साल में 27 रुपीज़ का डिविडेंड और प्लस ग्रोथ दोनों आपको देखने मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी कंपनियाँ हैं, ऐसी ही कंपनियों में जब आप इन्वेस्ट करते हैं एक लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो पहला इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए ऐसी ही एक अच्छी कंपनी होना चाहिए, जो आपको मोटिवेट करे, मतलब जो कंपनियाँ फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो और जो आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे। और यहाँ पर देखते हैं कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है, मतलब कोई भी शेयर जो है गिरवी नहीं रखा गया है। इस तरह से ये कंपनियाँ फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों स्ट्रांग है। टेक्निकली मतलब किस प्राइस पे आपको बाय करना है, जैसे थोड़ा सा करेक्शन आता है तब उसमें बाइंग करना है आपको। चलिए हम दिखा देते हैं इसके डेप्ट को, कंपनी के ऊपर कितना डेप्ट है। तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी के पास टोटल जो रिजर्व है, देख सकते हैं कितना अधिक है, 1419 करोड़, इतना का रिजर्व है कंपनी के पास। वहीं डेप्ट की बात करें तो कंपनी के पास निग्लिजिबल डेप्ट है, डेप्ट हमेशा जीरो रहा है, 77 करोड़, ये बहुत ही कम लोन हुआ, ये बहुत ही कम का डेप्ट है, देख सकते हैं इसके पास रिजर्व भी बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर 2020 का अपडेट होता है तो हो सकता है ये कर्ज इतना दे दिया गया हो, बहुत ही निग्लिजिबल कर्ज है। और आगे देख लेते हैं हमारा कैश और बैंक बैलेंस कंपनी के पास कितनी है। तो यहाँ देखते हैं कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस कितना है, 399 करोड़, तो इतना का कैश और बैंक बैलेंस भी है। तो कंपनी के पास जो 77 करोड़ का डेप्ट है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस भी बहुत है, रिजर्व भी बहुत है। तो कंपनियाँ फंडामेंटली बहुत ही बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसी ही कंपनियों में आपको हम कहेंगे आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, जो कंपनियाँ फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो और जिसका टेक्निकल चार्ट भी आपने देखा कि कितना स्ट्रांग है। और कंपनी के बुक वैल्यू में देखते हैं निग्लिजिबल चेंज आया, 53 रुपीज़, मतलब 53 है हमारा कंपनियों का इतना करोड़ बुक वैल्यू, जो कि लगभग कांस्टेंट रहा है, थोड़ा सा इस यहाँ पे डाउन आया है। 2018 में ज़्यादा था, 19 में थोड़ा कम हो गया, 20 में जैसे अपडेट होता है आपको हम दिखाएंगे। और आप ये देख लीजिए कंपनियों जो है लगातार बोनस भी देती है, मतलब कंपनियां लगातार बोनस भी बीच बीच में देते रही है। तो कंपनियों में आपको बोनस भी मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा, तो हर चीज़ मिलेगा। तो ऐसी ही कंपनियों में आपको अपना पहला शेयर बाय करना है, मतलब आपको अपना पहला इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसलिए कंपनी में जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसका हमने प्राइस भी दिखा दिया, जैसे इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है तब आप इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो कंपनी का ये जीरोधा का वेबसाइट है, इस पर हम आपको लेकर आए हैं। ये हमारा ब्लू लाइन है,
200 डे का मूविंग एवरेज, और ये जो नीचे वाला लाइन है ये हमारा 100 डे का मूविंग एवरेज। तो आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा है ये लाइन, ये 100 डे का मूविंग एवरेज, ये है हमारा ब्लू लाइन 200 डे का मूविंग एवरेज। तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है 100 डे मूविंग एवरेज, 200 मूविंग डे एवरेज, उसके आसपास ही है। अनुमान लगा सकते हैं कि ये कंपनियों का जो प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ही कम होता है, मतलब करेक्शन कम आता है, और आप जैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये निश्चित है आपको जो है एक अच्छा रिटर्न देगा। इसलिए आप इन शेयर में ही पहला इन्वेस्ट करें, जो HUL है, कोलगेट है, डाबर हो गया, लाल पेथलब हो गया, तो ऐसे ही शेयर जिसके प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।